नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, और हम सब जानते हैं कि जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उनमें सच बहुत कम होता है और अफवाह बहुत ज्यादा होती है। आजकल कई लोग ऐसे वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कोविड के टाइम्स में मास्क पहनने को वो डिस्करेज कर रहे हैं और इनफैक्ट उसे गुलामी का एक प्रतीक भी बता रहे हैं। कोविड 19 के क्राइसिस में मास्क पहनने से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनकी तह तक पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और सिमिलर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरी ओपिनियन में कोविड टाइम्स में फेस मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है और मैं भारत सरकार के इस कदम को अप्लॉड करती हूँ कि जैसे ही कोविड क्राइसिस ने इंडिया को हिट किया, बहुत जल्दी फेस मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया और इसे ना पहनना एक पब्लिक ऑफेंस घोषित कर दिया गया। तो आइए अब हम एक एक करके मास्क से संबंधित जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करते हैं। कई वीडियोज में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि N95 मास्क, जिनको कि आजकल एक तरफ इतना प्रोफेस किया जा रहा है, वो हमें वायरस से बचाने में सक्षम नहीं है। तो जो लोग N95 मास्क का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो कोविड-19 के वायरस का साइज है वो N95 मास्क के पोर के साइज का एक तिहाई है। यानी कि अगर मास्क के पोर का साइज बड़ा है और वायरस का साइज छोटा है तो वायरस को भला मास्क कैसे रोक लेगा। इस बात का खंडन करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस पार्टिकल्स एयर में आइसोलेटेड रूप में सस्पेंडेड नहीं होते। जब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बोलता है तो उसके जो माउथ के और नोज के सिक्रीशंस हैं वो एरोसोल के फॉर्म्स में एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और इन एरोसोल्स का जो साइज होता है वो 3 से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू N95 मास्क का पोर साइज। N95 मास्क बहुत ज्यादा सक्षम है इन ड्रॉपलेट्स को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंचने से रोकने में, तो N95 मास्क को आप जरूर पहनें। और सच कहूं तो ये N95 मास्क छन्नी की तरह काम करते भी नहीं है। इसका जो मैकेनिज्म है वो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत इंट्रिकेट है, और जिससे कि आप इसे समझ पाए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक वीडियो भी लिंक कर दी है, आप उसे जरूर देखिए। जब हम N95 मास्क पहनते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि औरों तक भी संक्रमण पहुंचने से रोकते हैं। जब हमने इसे अपने मुंह पे लगाया होता है और मान लीजिए कि हम ही संक्रमित हैं, तो हमारे जो एरोसोल पार्टिकल्स रिलीज होंगे एयर में वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। और साथ में जो सरकार का मैंडेट है कि कृपया 2 गज की दूरी रखें, ये और ज्यादा हेल्प करेगी इंश्योर करने में कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण न पहुंचे। तो दोस्तों, N95 मास्क को तो फिर भी लोग असरदार मानते हैं, पर जो कॉटन के या कपड़े के बने हुए मास्क हैं उन पे तो क्रिटिसिज्म बहुत ही ज्यादा है। आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं उनके साइज से भी कहीं बड़ा है जो कॉटन के मास्क हैं उनका पोर साइज, और ये आर्ग्यूमेंट एकदम ठीक है। पर क्या इसका ये मतलब है कि कॉटन के मास्क असरदार नहीं है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि माना कि एरोसोल का जो पार्टिकल का साइज है वो भी कॉटन के मास्क के पोर साइज से छोटा है, पर इन मास्क को मल्टीपल लेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारी सांस की नली तक पहुंचने वाला वायरल लोड काफी कम हो जाता है। यानी कि जो नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स इतनी सारी लेयर्स को पार करके हमारी सांस की नली तक पहुंचते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और यहाँ पर काम आती है हमारी इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि वो अच्छे से काम करे हमें भी काम करना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे टिप्स मैंने अपने YouTube चैनल पे पहले भी शेयर किए हैं कि अपने इम्यून सिस्टम का फंक्शन अच्छा रखने के लिए इस समय में हम क्या कर सकते हैं। वीडियो ऊपर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। तीसरी भ्रांति ये है कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये बात फैलाने वालों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर मास्क लगाने के बावजूद आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है जो वो बाहर नहीं निकल सकते। जिस तरह से मास्क लगाने के बावजूद आप ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं, ठीक उसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ पाएंगे। तो इस बात से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों कि कई बार मास्क लगा के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा घुटा घुटा सा महसूस होता है, और इस पूरे दौर में थ्रू आउट मैंने मास्क लगा के बहुत सारे लोगों की
काउंसलिंग भी की है तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो थोड़ा सा कष्ट हम सह लेंगे मास्क लगा के, ये टोटली वर्थ है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो N95 मास्क हो, कॉटन का मास्क हो या कपड़े का मास्क हो, उसे आप जरूर जरूर लगाइए। और इन सारी भ्रांतियों में कभी भी मत आइए कि मास्क लगाना आपके लिए कोई गुलामी की निशानी है। ये तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता और ताकत की निशानी है कि हम लोग एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज सिटीजन्स ऑफ ग्लोब, सब हाथ मिलाकर इस परेशानी से एक साथ जूझ रहे हैं। ये हमारी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी है कि हम मास्क लगाएं और मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकलें और मास्क लगाने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें। अगर हम सब अपना बिट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत जल्दी इस महामारी पे हम विजय पालेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, और कोविड के टाइम में वो सबसे फनी भ्रांति क्या है या मिस इन्फॉर्मेशन क्या है जो कि आपने सुनी हो और आपको लगा हो अरे यार ऐसा कौन बोलता है। और अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि औरों के लिए यूजफुल हो सकती है तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए कंटेंट डालते ही पता चल जाए। बेल आइकॉन जरूर हिट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड यस स्टे ट्यून्ड एंड वेट, स्टे सेफ एंड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क, बाय बाय।